2013 का अब स्टार्ट करें, इसकी भी आंसर की मौजूद नहीं है नेट पर। तो नंबर वन है द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, व्हाट मास ऑफ कार्बन कंटेन्स 9.03 × 10²³। नंबर ऑफ एटम्स गिवन है, मास बताना है कार्बन का। सिंपल है बहुत, नंबर ऑफ एटम्स वाला फॉर्मूला यूज होगा। नंबर ऑफ एटम्स गिवन है 9.03 × 10²³ = मास अपॉन मोलर मास, वो है 12 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, वो है 6.02 × 10²³। ठीक है, तो इस तरह कैलकुलेट करने, कैलकुलेट करके देख सकते हो आप लोग। 18 is the answer. So option C है 18 grams. ये correct answer है. Number 2, what mass of oxygen will react with 24 gram of magnesium to produce magnesium oxide? तो इसके लिए equation चाहिए, हमें equation given नहीं है. Equation होगी Mg plus O2 forms MgO. बैलेंस करने के यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ 2 लगाएंगे। अब क्वेश्चन में पूछा है ऑक्सीजन का मास, मास ऑक्सीजन का बताना है 24 ग्राम मैग्नीशियम का अगर रिएक्ट है, 24 ग्राम अगर रिएक्ट है, तो हम मास टू मास रिलेशन लगा लेते हैं डायरेक्ट। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग 2 मैग्नीशियम का मास हमें कंपेयर करना है O2 के मास से। 2 मैग्नीशियम का मास होता है 24 प्लस, 1 मैग्नीशियम का 24 है, तो 24 प्लस 24 48 ग्राम, 48 ग्राम्स मैग्नीशियम इस इक्वेशन में रिएक्ट कर रहा है 32 ग्राम ऑक्सीजन से। तो अगर 24 ग्राम होगा मैग्नीशियम तो ये रिएक्ट करेगा 48 × 48 × 24 = 32/2। आंसर इज 16 ग्राम इसका आंसर है, 16 ग्राम आ रहा है। आप कैलकुलेट करके देख भी सकते हो, ऑप्शन सी। इक्वेशन जो सिंपल रिएक्शन होते हैं उनकी इक्वेशन समटाइम्स नहीं गिवन होती। नंबर 3, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन अननोन आइडियल गैस, ये फिर अननोन आइडियल गैस वाला आ गया, लेकिन अब क्या गिवन है, एक्स इज फाउंड टू बी थ्राइस ऑफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया, अमोनिया से थ्राइस है, ट्रिपल है। तो आप सिंपल ये कर सकते हो कि 22.414 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, आंसर आ जाएगा आपका 22.414 × 3। ये कर सकते हो या पूरी कैलकुलेशन कर सकते हो कि अमोनिया होता है 17 ग्राम अमोनिया और उसमें होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम। तो अगर ये है 17 × 3 = 51 ग्राम है अगर ये अननोन गैस, तो इसमें कितना होगा वॉल्यूम? सिंपल 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी आंसर आ सकता है, आंसर 67.2 ऑप्शन डी। हाँ सही, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नंबर 4 शोज द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर 4 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ F9। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लेते हैं। 9 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 1s2 2s2 2p5, यानी 2p5 की आपको बतानी है, p5 है अगर तो इस तरह इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे 1 2 3 4 5, इसकी बतानी है 2pz1, इसके क्वांटम नंबर्स बताने हैं, ये पोजीशन बतानी है आपको। तो 2n की वैल्यू होगी 2 और p के लिए l की वैल्यू होगी 1 और वो यहाँ है सिर्फ ऑप्शन सी में और कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो ये -1 0 -1 0 +1, इसकी वैल्यू होगी +1 और हाफ प्लस हाफ इसकी स्पिन होगी, ऑप्शन सी करेक्ट है। बाकी यहाँ पर l की वैल्यूज गलत आती हैं, p की लिए l की वैल्यू होती है 1। अच्छा, नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स 3d सबशेल इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। 7 इलेक्ट्रॉन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, 7 इलेक्ट्रॉन्स इन 3d, 7 इलेक्ट्रॉन्स वैसे 3d में आते हैं
कोबोल्ट अगर 27 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है 4s2 3d7। लेकिन जब कोबोल्ट प्लस 2 बनेगा तो कोबोल्ट प्लस 2 में इलेक्ट्रॉन्स जब निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स वो 4s से निकलते पहले। जब इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं तब भी 4s में फिल होते हैं, जब रिमूव होते हैं तब भी पहले 4s से रिमूव होते हैं। तो प्लस 2 में इसकी ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगी 4s0 3d7। तो ये इसका आंसर होगा कोबोल्ट। बाकी कोई भी करेक्ट आंसर नहीं। क्रोमियम है, जैसे क्रोमियम की होती है 24 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 4s1 3d5। क्रोमियम एक एक्सेप्शनल केस है। तो जब ये आयन में कन्वर्ट होगा क्रोमियम प्लस 2 में तो ये हो जाएगी 4s0 3d4। इसी तरह आयरन होता है 4s2 3d6 और प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में 4s0 3d6 होगा। इसी तरह कॉपर का केस है। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं सिर्फ कोबोल्ट प्लस 2 में, तो ये कोबोल्ट वाला इसका आंसर होगा। It is impossible to determine the exact position and the momentum. Which of the following concept is represented by the given statement? तो ये Heisenberg uncertainty principle है कि position और momentum दोनों एक साथ हम find नहीं कर सकते। B is the answer. Number 7, what is the nature of aqueous solution of aluminium chloride? Aluminium chloride अब किस किस्म का salt है ये हमें find करना होगा। AlCl3 ये बना किससे होगा? Strong acid से बना होगा तो acidic होगा, इसका solution strong base से बना होगा तो basic होगा। ये बना होगा AlOH3 जो कि है वीक बेस, क्योंकि 1A2A ग्रुप का बेस नहीं है इसलिए वीक है। और ये Cl आया होगा HCl से जो कि है स्ट्रॉन्ग। तो एसिडिक कंपोनेंट इसमें स्ट्रॉन्ग है तो इसका सॉल्यूशन एसिडिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और कोई ऑप्शन नहीं है। देखो Al कौन से बेस में प्रेजेंट होता है, और कोई बेस होता नहीं है। बेसिस के आगे सिर्फ OH लगाना होता है, तो Al के आगे OH लगा दो बेस बन गया। और एसिड, ये एसिडिक रेडिकल है, ये बेसिक रेडिकल है। तो एसिड में पहले लगा दो H, Cl से आगे H लगा दो, ये एसिड बन जाएगा। और ये कौन सा एसिड बन सकता है? कोई और ऑप्शन ही नहीं है। H के अलावा मैं कुछ और लगा ही नहीं सकती एसिड बनाने के लिए। अगर मैं ये फाइंड कर लूँ Cl किस एसिड से आया होगा, तो एसिड में तो H प्रेजेंट होता है, H ही लगाना है। तो अगर मुझे ये फाइंड करें किस बेस से आया होगा, बेस में OH प्रेजेंट होता है, OH ही लगाना है बस आगे, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसका फॉर्मूला सॉल्व कर देखकर हम बता सकते हैं किस एसिड और बेस से बना होगा। लेफ्ट हैंड साइड वाला बेसिक रेडिकल होता है, राइट हैंड साइड वाला एसिडिक रेडिकल होता है हर सॉल्ट में। नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटायंस विल हैव हाईएस्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन? हीट ऑफ हाइड्रेशन डिपेंड करती है चार्जेस पर, जिसके चार्जेस सबसे ज्यादा है हीट ऑफ हाइड्रेशन भी सबसे ज्यादा उसी की है। एल्यूमिनियम प्लस 3, ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, इसमें चार्ज सबसे ज्यादा है। नंबर 9, the following equilibrium is established when aqueous solution of sulfuric acid is added to aqueous solution of acetatine. Which of the following conjugate bases is the most suitable alternate of acetatine? Acetatine ये है, इसकी जगह कोई और conjugate base लेकर कॉन्जुगेट बेस और एसिड का ना एक रिलेशनशिप होता है, वो रिलेशनशिप हमने इस इक्वेशन में पढ़ा है। Ka into Kb is equals to Kw. Ka अगर एसिड का है आयनाइजेशन कांस्टेंट, तो उसी एसिड के कॉन्जुगेट बेस का है आयनाइजेशन कांस्टेंट Kb, और इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब ये है कि अगर एसिड स्ट्रांग हो, यानी के ए की वैल्यू ज्यादा हो, इसकी वैल्यू ज्यादा हो, तो इसकी वैल्यू कम होती है, उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होता है। क्योंकि इन दोनों को मिला के हमेशा कांस्टेंट आना है, और कांस्टेंट है 1 exponent minus 40। अगर के ए बढ़ता है तो के बी कम हो जाता है। अगर कोई एसिड स्ट्रांग है उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होता है, अगर कोई एसिड वीक है उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रांग होता है। इसी तरह बेसिस पे भी अप्लाई होता है ये, कि अगर कोई बेस स्ट्रांग है उसका कॉन्जुगेट एसिड वीक होता है, अगर कोई बेस वीक है उसका कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रांग होता है, रिवर्स हो जाता है। अब इसकी जगह हमें वही एसिड कॉन्जुगेट बेस लाना होगा जो या तो अगर ये स्ट्रांग है तो वो भी स्ट्रांग हो। अब ये एसिटेट बना है एसिटिक एसिड से, CH3COOH एसिड है जो कि वीक एसिड है। वीक एसिड से जो कॉन्जुगेट बेस बना होगा CH3COO
ये कॉन्जुगेट बेस है, अब ये स्ट्रॉन्ग होगा। तो अब सी एच थ्री सी ओ ओ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है ना, तो हमें उसका ऑल्टरनेट कोई स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस ही ढूंढना होगा, यानी कोई ऐसे एसिड से बना हो जो वीक वीक एसिड से बनने वाला ढूंढना होगा। तो अब ये एच एस ओ फोर तो एच टू एस ओ फोर से बना होगा, एन ओ थ्री एच एन ओ थ्री से बना होगा जो स्ट्रॉन्ग है, सी एल एच सी एल से बना होगा ये भी स्ट्रॉन्ग है, जो वीक से बना होगा ना वो ये है एच एस, एच एस नेगेटिव एक ऐसा कॉन्जुगेट बेस है जो वीक एसिड से बना है, जस्ट लाइक एसीटेट इसकी तरह। तो ये इसको रिप्लेस कर सकता है इजीली, क्योंकि ये उसकी तरह कांस्टेंट है। समझ कौन सा वाला नहीं आया, ये वाला पार्ट नहीं आया जवेरिया? कॉन्जुगेट एसिड बेस वाला सिंपल सी बात है, एसिड्स कॉन्जुगेट बेस बनते हैं, एसिड्स एसिड कन्वर्ट होता है कॉन्जुगेट बेस। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होता है, अगर एसिड वीक है तो उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है, रिवर्स होता है। ठीक है, ये बात जहन में रखो। तो अब यहाँ पर है CH3COO नेगेटिव, अब ये हमें देखना है ये कॉन्जुगेट बेस है ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो इसको रिप्लेस करने वाला भी स्ट्रॉन्ग है, अगर ये वीक है तो इसको रिप्लेस करने वाला भी वीक है। ये बना होगा CH3COOH एसिड से जो कि है वीक एसिड, और ये स्ट्रॉन्ग है इसी वजह से। तो अब इसकी जगह मैं लाना चाह रही हूँ कोई और, तो मुझे वही चूज करना पड़ेगा कॉन्जुगेट बेस जो इसकी तरह वीक एसिड से बना हो, वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस चूज करना पड़ेगा मुझे। अब ऑप्शंस देखते हैं, अगर हम सबसे पहला जो ऑप्शन है वो बना होगा H2SO4 से जो कि स्ट्रॉन्ग है, HSO4 लिखा हुआ है ना। दूसरा है H2S से बना होगा जो कि वीक है एसिटिक एसिड की तरह, तो इसका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा कॉन्जुगेट बेस होगा HS- वही इसे रिप्लेस कर पाएगा, वही इसकी तरह होगा एसिटेट की तरह। बाकी NO3 देखो वो HNO3 से बना होगा, Cl नेगेटिव HCl से बना होगा, तो ACD ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड से बनने वाले कॉन्जुगेट बेस हैं, एक्सेप्ट फॉर B, ये वीक एसिड से बनने वाला कॉन्जुगेट बेस है, तो ये भी वीक एसिड से बनने वाला कॉन्जुगेट बेस है, तो इसको रिप्लेस करने के लिए यही चलेगा, यही रिप्लेस करेगा। बात समझ आई? ठीक है, नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज करेक्टली पेयर्ड विद इट्स शेप। शेप हम बताते थे मॉलिक्यूल के वो फॉर्मूले के थ्रू हम बता सकते थे, H2S तो बिल्कुल वाटर की तरह होता है, इसका है बेंट और एंगुलर, ये बिल्कुल CCl4 की तरह होता है SiF4, तो ये है टेट्राहेड्रल। ए इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ आई गेस लोन पेयर भी प्रेजेंट होता है, 10 में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 Cl के साथ चले गए तो एक लोन पेयर भी प्रेजेंट होता है यहाँ। और H2S का रॉन्ग लिखा हुआ है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो ये टेट्राहेड्रल होता है, इसका भी ट्राइगोनल पिरामिडल नहीं होता, टेट्राहेड्रल होता है। एसेंशियल का मैं SNCl2 ना बुक में गिवन है, और जो बुक में गिवन होती है ना मुश्किल भी चीजें होती है तो वो आ जाती है। SNCl2 का फॉर्मूला स्ट्रक्चर ये है, और एक लोन पेयर यहाँ होता है, वैसे 10 है, 10 के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी वैलेंसी होती है 4, जस्ट लाइक कार्बन। तो ये इसका स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर बुक में भी गिवन है, तो ये बेंट और एंगुलर स्ट्रक्चर ही है, असल करेक्ट जो स्ट्रक्चर है ना SiF4 है, क्योंकि Si कार्बन फैमिली का है और F4 क्लोरीन फैमिली का है, तो CCl4 की तरह ये बिल्कुल स्ट्रक्चर, ये टेट्राहेड्रल बनेगा SiF4।
तो फॉर्मूले से ये तीन कैलकुलेट करोगे तो ये पता चल जाएगा। एसएनसीएल टू वैसे बुक में है। नंबर 11, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ थ्री एटम्स आर 3.5, 2.6, 1.1। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ द मॉलिक्यूल्स फॉर्म फ्रॉम दीज थ्री एलिमेंट्स। अच्छा, हर एक का हम डिफरेंस निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, एंड डिफरेंस से ही क्योंकि हमें पता चलेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से पता चलेगा कि कोवलेंट कैरेक्टर कहाँ ज़्यादा है। जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा, वहाँ आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा और कोवलेंट कैरेक्टर कम होगा। तो डिफरेंस निकाल लेते हैं एक्स वाई का। x की वैल्यू है 3.5, y की है 2.6, 3.5 माइनस 2.6, तो ये डिफरेंस आता है 0.9। दूसरा है y z, इसका डिफरेंस आता है 2.6 माइनस 1.1। ये डिफरेंस आता है 1.5। और एक्स जेड, इसका डिफरेंस सबसे ज़्यादा आएगा आई थिंक, 3.5 माइनस 1.1, ये आता है 2.4। तो डिफरेंस यहाँ सबसे ज़्यादा है, आयनिक कैरेक्टर इसमें सबसे ज़्यादा होगा और कोवलेंट कैरेक्टर सबसे कम इसमें होगा। और क्वेश्चन पूछा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कोवलेंट कैरेक्टर, तो कोवलेंट कैरेक्टर यहाँ से यहाँ इंक्रीज हो रहा होगा। एक्स जेड का सबसे कम, वाई जेड का उससे ज़्यादा और एक्स वाई का उससे ज़्यादा। एक्स जेड का सबसे कम या एक्स वाई का सबसे ज़्यादा, एक्स वाई इज ग्रेटर देन वाई जेड इज ग्रेटर देन एक्स जेड, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ आए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकाला मैंने तीनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू से हर एक कंपाउंड का, और डिफरेंस जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, आयनिक ज़्यादा होगा और कोवलेंट कैरेक्टर कम होगा। तो इसका मतलब सबसे लेस कोवलेंट कैरेक्टर इसका है एक्स वाई का, तो ये ग्रेटर देन के साइन लगे हुए सारे, तो ये यहाँ एंड में आना चाहिए एक्स जेड, ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। द क्लोराइड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, तो क्लोराइड इनसॉल्युबल होते हैं कोवलेंट कंपाउंड के, आयनिक कंपाउंड के तो सॉल्युबल होते हैं। कोवलेंट कंपाउंड बनता है दो नॉन मेटल्स के बीच में, तो अब या पोटेशियम मेटल है, कैल्शियम मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, डी कार्बन नॉन मेटल है, कार्बन और क्लोरीन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तो वो इनसॉल्युबल होगा वाटर में। ठीक है, 13 सिलेबस में नहीं है, 14 भी, 15 भी, 16। डिफरेंट लिक्विड्स इवेपरेट एट डिफरेंट रेट्स डिपेंडिंग ऑन देयर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स इज द मोस्ट वॉलेटाइल, जिसकी सबसे वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होगी वो सबसे ज्यादा वॉलेटाइल होगा, वो है हेक्सेन, क्योंकि हेक्सेन में ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ वाटर में वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये तो कम वॉलेटाइल हो गई, यहाँ OH बॉन्ड है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है लेकिन OH है, जिसकी वजह से इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, इसमें कोई वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, डायपोल डायपोल नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल्स सॉलिड इज स्ट्रॉन्गली पेयर्ड विद इट्स प्रॉपर्टी, सो सोडियम क्लोराइड इज हाईली ब्रिटल, आयोडीन इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड हैज द हाई मेल्टिंग पॉइंट, टंगस्टन हैज डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन, तो दिस इज रॉन्ग, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की है एग्जाम्पल, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बैड कंडक्टर्स होते हैं आयोडीन, तो ये रॉन्ग है। सी अगर इसका बताया है तो डायमंड का तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बी होगा इसका आंसर, और सोडियम क्लोराइड भी ब्रिटल होते हैं, इन दैट सेंस के सोडियम क्लोराइड को हिट कर देना तो पॉजिटिव पॉजिटिव लेयर सामने आ जाती है, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव और सामने आ जाती है, ये है पॉजिटिव सोडियम क्लोराइड, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, जब इसे हिट करते हैं तो एक के सामने पॉजिटिव और नेगेटिव के सामने पॉजिटिव आ जाती है, तो यहाँ से मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है, तो इजीली ब्रेकेबल होते हैं सोडियम क्लोराइड या आयनिक सॉलिड्स, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मेटल्स,
टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मूवमेंट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगी, तो हाई और इंक्रीज। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से, तो टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट बढ़ेगी तो डेफिनेटली कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। ए इसका आंसर होगा। नंबर 19, इक्वेशन गिवन है, केसी वैल्यू गिवन है, आपको केपी और केसी का रिलेशन बताना है। केपी और केसी का रिलेशन फाइंड करने के लिए आपको सिर्फ डेल्टा एन की वैल्यू फाइंड करनी है। डेल्टा एन अगर जीरो है तो केपी और केसी बराबर है, डेल्टा एन अगर पॉजिटिव है ग्रेटर देन वन है तो केपी भी ग्रेटर देन केसी है, डेल्टा एन अगर लेस देन जीरो है नेगेटिव है तो केपी इज लेस देन केसी। तो डेल्टा एन आप कोफिशिएंट्स को देखकर फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे 4 है, नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट साइड पे है 2, तो डेल्टा एन हम फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के मोल्स हैं 2, रिएक्टेंट के मोल्स हैं 4, आंसर आता है -4। सो केपी इज लेस देन केसी क्योंकि नेगेटिव आंसर आया ना डेल्टा एन का, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, केपी इज लेस देन केसी। विच ऑफ द फॉलोइंग विल सप्रेस द आयनाइजेशन ऑफ लेड क्लोराइड इन एन एक्वस सॉल्यूशन। सप्रेस आयनाइजेशन मतलब जहां पर कॉमन आयन होगा और वो कम्प्लीटली डिसोसिएट भी हो रहा हो तो उससे लेड क्लोराइड की आयनाइजेशन कम हो जाएगी। लेड क्लोराइड इज लाइक दिस, ए PbCl2 वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आयनाइज होगा लेड आयन और क्लोराइड आयन में, ठीक है। अब किस में कॉमन आयन मिल सकता है हमें, एसिटिक एसिड से तो नहीं मिलेगा, ना ही लेड आयन मिलेगा ना ही क्लोराइड, नाइट्रिक एसिड से भी नहीं मिलेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमें HCl मिल जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर डालेंगे H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक डाउन होगा, ये कॉमन आयन मिल गया जिससे ये इसकी डिसोसिएशन या आयनाइजेशन सप्रेस हो जाएगी या कम हो जाएगी, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नंबर 21 सिलेबस में नहीं है, 22 सिलेबस में नहीं है, 23 भी सिलेबस में नहीं है, सॉल्यूशन वाले चैप्टर से रिलेटेड है, और 24 भी, इवन 25 भी, 26 पे आ जाओ, ये थर्मोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ केमिकल्स हैज द ग्रेटेस्ट एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस होंगे वहाँ। तो सबसे लास्ट वाले में तो दोनों वीक हैं, इसमें ये वीक है, ये वाले में बेस वीक है, ये है जिसमें दोनों स्ट्रॉन्ग है, एच आई भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और के ओ एच भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसमें हाइएस्ट एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगी। नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द गिवन रिएक्शन। अब ये जो गिवन रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन को एक्सप्लेन कर रहा है क्योंकि रिएक्टेंट्स कम है प्रोडक्ट ज़्यादा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए कौन सा करेक्ट है ये बताना है। सिस्टम हैज लॉस्ट हीट टू द एक्टिवेशन एनर्जी, एंथैल्पी चेंज हैज नेगेटिव वैल्यू रॉन्ग, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन रॉन्ग, एंथैल्पी ऑफ सिस्टम हैज इंक्रीज ड्यूरिंग द रिएक्शन। हाँ, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब होती है सिस्टम की एंथैल्पी इंक्रीज हो जाएगी, ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, हीट लॉस नहीं होती क्योंकि वो एक्सोथर्मिक नहीं है रिएक्शन। नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन PO4-3। ऑक्सीजन -8 और फॉस्फोरस +5 होगा तभी -3 बचेगा, +5 इज द आंसर। नंबर 29, एलिमेंट हैविंग अ लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड पोटेंशियल आर, रिडक्शन पोटेंशियल की ज़्यादा वैल्यू है तो इसकी रिडक्शन की एबिलिटी अच्छी है और वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिडक्शन पोटेंशियल की लार्ज वैल्यू है तो वो रिड्यूस हो सकता है इसकी, और जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द आंसर। नंबर 30, कुछ एलिमेंट्स हैं उनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल टेक प्लेस स्पॉन्टेनियसली।
अच्छा अब पहली इक्वेशन को देखते हैं। पहली इक्वेशन में मैग्नीशियम रिड्यूस हो रहा है, प्लस टू से जीरो जा रहा है, और जिंक जीरो से प्लस टू ऑक्सीडाइज हो रहा है। इन वैल्यूज को देख के बताओ, क्या जिंक की वैल्यू कम है वो उसे ऑक्सीडाइज होना चाहिए, मैग्नीशियम की वैल्यू ज्यादा होनी है उसे रिड्यूस होना चाहिए। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जिंक रिड्यूस हो रहा है, तो जिंक की और सॉरी मैग्नीशियम रिड्यूस हो रहा है। मैग्नीशियम और जिंक की वैल्यूज को कंपेयर करेंगे, जिंक ये है माइनस में और मैग्नीशियम है प्लस में, तो अकॉर्डिंग टू वैल्यूज जिंक को होना चाहिए ऑक्सीडाइज और मैग्नीशियम को रिड्यूस, और इस इक्वेशन में ऐसा ही हो रहा है। तो यही इक्वेशन स्पॉन्टेनियस होगी। बाकी इक्वेशन भी चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन जीरो से प्लस वन में जा रहा है यानी ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक प्लस टू से जीरो में जा रहा है यानी रिड्यूस हो रहा है। हाइड्रोजन और जिंक को कंपेयर करते हैं, हाइड्रोजन जीरो है, जिंक और कम है, तो मतलब जिंक को यहाँ ऑक्सीडाइज होना चाहिए जबकि यहाँ तो रिड्यूस हो रहा है, तो ये स्पॉन्टेनियस नहीं है रिएक्शन। इसी तरह यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, सिल्वर रिड्यूस हो रहा है, और सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट सिल्वर की ये है प्लस है, ज्यादा है, तो सिल्वर को रिड्यूस होना चाहिए, और यहाँ सिल्वर रिड्यूस हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है जीरो से प्लस वन, हाँ, और सिल्वर प्लस वन से जीरो रिड्यूस हो रहा है, तो सिल्वर की है प्लस 0.7 और हाइड्रोजन की है जीरो, तो हाइड्रोजन की कम है, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज होना चाहिए, सिल्वर को रिड्यूस होना चाहिए, तो ये तो करेक्ट बन रहा है। नेक्स्ट वाला चेक कर लेते हैं। सिल्वर जीरो है और ये प्लस वन है ऑक्सीडाइज, और ये प्लस टू से जीरो रिड्यूस, तो रिड्यूस होना चाहिए इसे, नहीं अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू इसे ऑक्सीडाइज होना चाहिए, और सिल्वर की वैल्यू है कम, तो सिल्वर को रिड्यूस होना चाहिए सिल्वर को, और सिल्वर यहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाँ, तो ये भी गलत है। तो ए और सी क्यों गलत बन रही है, या तो ए गलत है, इसको सही कैलकुलेट नहीं किया, प्लस टू से जीरो रिड्यूस, जीरो से प्लस टू ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज, हाँ, पहले वाले को सही कैलकुलेट नहीं किया, सी इसका करेक्ट आंसर है। जिंक हो रहा है ऑक्सीडाइज और मैग्नीशियम हो रहा है रिड्यूस, जिंक की वैल्यू है माइनस 0.76, मैग्नीशियम की माइनस 2.37, तो मैग्नीशियम को ऑक्सीडाइज होना चाहिए जबकि यहाँ मैग्नीशियम रिड्यूस हो रहा है, तो ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ए वाले में सही कैलकुलेशन नहीं की, गलत नहीं होगा, ये सी ही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये था 2013 का पेपर। अब कल बाकी हम 14-15 भी कहेंगे, शायद उसके आगे के पेपर्स के तो आपके पास आंसर की है मौजूद, और जो सितंबर एग्जाम की आंसर कीज नहीं थी, सितंबर एग्जाम हम नहीं कर पाए, तो उसकी मैंने वीडियोस अपलोड कर दी है, वो आप लोग देख सकते हो आंसर की देखने के लिए सितंबर एग्जाम की। अच्छा।